हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने एक बार फिर से वीडियो लेकर के आ रहा हूं जिसमें मैं आपको दिखा रहा हूं आज एक वीडियो जिसमें मैं आपको एक प्रीमियम जो आपकी एसयूवी आती है उसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या आपकी जो सबसे प्रीमियम एसयूवी सबसे ज़्यादा सेलिंग है वो है टोयोटा की फॉर्च्यूनर सेफ है या नहीं है। क्योंकि काफ़ी हद तक बहुत सारे वीडियोज़ और बहुत सारे न्यूज़ में देखने को मिला है कि एसयूवी में एसयूवी का एक्सीडेंट होता है और उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन आपकी फॉर्च्यूनर है, उसके साथ साथ उसकी जो कंपटीटर है इंडियावर, मैं उसके दोनों के बीच में आज कंपैरिजन करूंगा और खासकर मेरा जो कंपैरिजन होगा वो होगा सेफ्टी को लेकर के। आपके सामने स्क्रीन पे है टोयोटा की फॉर्च्यूनर जो कि अभी लॉन्च हुई 2017 में, और 2017 में लॉन्चिंग के बाद में इसने एक ताबड़तोड़ अपनी एक रिकॉर्ड बनाई सेलिंग के लेकर के, और 2008 में लॉन्च होने वाली आपकी ये फॉर्च्यूनर तब से लगातार आपकी सेलिंग लाइक हॉट केक की आपकी बिल्कुल सेलिंग में रही है। और इसकी जो सबसे ज़्यादा कंपटीटर रही है वो इंडेवर, उससे कहाँ तक कि दोनों में क्या कंपटीशन है आज इसी के बारे में बात करूंगा, आज इसी के दोनों की सेफ्टी के बारे में बात करूंगा। दोनों के कुछ स्पेसिफिक आपके सामने है, जैसे टोयोटा फॉर्च्यूनर और फोंडेड इंडेवर की जो लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, व्हील बेस है, टायर साइज और फ्यूल टैंक कैपेसिटी। जहां तक आप देखेंगे फ्यूल टैंक कैपेसिटी को छोड़ करके बाकी फॉर्च्यूनर सारी चीज़ों में इंडेवर से पीछे है, चाहे वो टायर साइज हो, चाहे आपकी व्हील बेस हो, चाहे हाइट हो, चाहे विड्थ हो, चाहे लेंथ हो, हर चीज़ में इंडेवर से पीछे। और मैंने दोनों गाड़ियों के टॉप मोस्ट मॉडल को कंपेयर किया है यहाँ पर। अभी तो मैं गाड़ी की स्पेसिफिकेशन को कंपेयर कर रहा हूँ, गाड़ी के थोड़ी सी फीचर्स को कंप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन आज जो मेरा वीडियो का मेन एम है वो है आपको सेफ्टी को दिखाना। यहाँ पर कुछ इंजन की कैपेसिटी, पावर, टॉर्क, ट्रांसमिशन और ड्राइव चेन को कंपेयर किया गया, जिसमें भी इंडेवर आपकी फॉर्च्यूनर को आउटस्मार्ट करती है। यहाँ पर टॉर्क की बात की जाए, इंजन की पावर की बात की जाए, या फिर आपके इंजन की कैपेसिटी की बात की जाए, या फिर आपके फोर व्हील ड्राइव सेगमेंट की बात कीजिए, मोड्स मिलते हैं आपको इंडियावर में जो कि आपको ड्राइविंग मोड्स फॉर्च्यूनर में उपलब्ध नहीं मिलते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पे कुछ आपकी सेफ्टी की, जहाँ पर आपकी टोयोटा फॉर्च्यूनर की कुछ इमेजेस आपके सामने आएंगी, और इस इमेजेस को देखने के बाद में, इस पिक्चर्स को देखने के बाद में ये नहीं एहसास होता कि आपकी टोयोटा फॉर्च्यूनर किसी भी तरीके से सेफ है। क्योंकि काफ़ी सारे न्यूज़ में, काफ़ी सारे वीडियोज़ में, काफ़ी सारी जगह पर ऐसे खबरें देखने के बाद में यही एहसास हो रहा है कि हम भले ही फॉर्च्यूनर को एक ब्रांड वैल्यू टोयोटा के नाम पर खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं और लगभग 35-36 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, पर उसके हिसाब से हमें ये फॉर्च्यूनर सेफ नहीं मिलती। क्योंकि बिल्कुल एक टीन, जैसे मारुति की गाड़ियाँ होती हैं उसके तरीके से एकदम बिल्कुल टीन के तरीके से दिखाई पड़ रही है। आगे आपके सामने फिर से एक पिक्चर आने वाली है और आप उसमें देखेंगे कि फॉर्च्यूनर जब टकरा रही है किसी गाड़ी से तो बिल्कुल उसके शीशे की बात छोड़िए, जितने भी उसके बॉडी पार्ट हैं वो बिल्कुल ही क्रम्पल हो जा रहे हैं, बिल्कुल मैंगल्ड हो जा रहे हैं। अब आप बताइए, सोचिए, आपके लिए क्या मैटर करता है? क्या आपके लिए बिल्ड क्वालिटी मैटर करती है? क्या आपके लिए सेफ्टी मैटर करती है? जब आप एक 35-36 लाख रुपए की प्रीमियम एसयूवी खरीदते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा आपका जो एम रहता है वो एम रहता है अपने परिवार को, अपने आप को सेफ रखना। जाहिर सी बात है, आज के जमाने में हमारी एसयूवी चलाने के लिए हम ड्राइवर को हायर करते हैं, वो ड्राइवर हमारी गाड़ियां चलाते हैं और ड्राइवर अक्सर कभी कभी हाई स्पीड में भी चला देते हैं। आपके सामने एक पिक्चर है, देखिए गाड़ी में कुछ दिखने लायक ही नहीं रह गया। और ये जब गाड़ी ड्राइवर चलाते हैं तो कभी कभी इनसे हाई स्पीड, चूंकि फॉर्च्यूनर की अगर मैं बात करूं तो फॉर्च्यूनर के सबसे पॉजिटिव पॉइंट है थोड़ा सा उसका माइलेज ज्यादा होना सीसी और इंजन पावर कम होने के कारण, और दूसरा जो आपका सबसे प्लस पॉइंट है वो है मैनुअल ट्रांसमिशन जो आपके इंडेवर में इस समय कंटिन्यू नहीं है। इंडेवर में अभी फीचर के रूप में काफी सारी चीजें बढ़ा दी गई, जैसे कि 2.2 सीसी जो एकदम बिल्कुल इसका बेस वेरियंट है उसमें भी आपको सनरूफ मिल रहा है, उसमें भी आपको काफ़ी सारे एयरबैग्स मिल रहे हैं, काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं। आपकी इंडियावर में एक जो टॉप मॉडल इंडियावर में आपको हीटेड ग्लास मिलते हैं, ORVM जो आपके होते हैं उस पर फॉग नहीं जम सकता, आपको 7 एयरबैग्स मिलते हैं, ड्राइव मोड्स मिलते हैं, आपको पैनारोमिक सनरूफ मिलती है, आपको पावरफुल सीट्स मिलती हैं, आपको काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स हैं, इवन आप उसके कंपेयर ऑटो पार्किंग मिलती है आपको इंडियावर में जो फॉर्च्यूनर में नहीं मिलती, लेकिन फिर भी फॉर्च्यूनर की सेलिंग ज़्यादा है। रीज़न थोड़ा सा गाड़ी का वेट कम होना और सेफ्टी के मामले में बिल्ड क्वालिटी। अब इन सारी पिक्चर्स को देखने के बाद आप खुश हो सकते हैं, बिल्ड क्वालिटी फॉर्च्यूनर की बहुत ही पुअर हो चुकी है। हम रीसेल वैल्यू के लिए जैसे मारुति चूज़ करते थे, हम जैसे कि सर्विस स्टेशन के लिए मारुति चूज़ करते थे, वैसे ही हम टोयोटा चूज़ करते हैं, लेकिन क्या टोयोटा वाकई में अब सेफ रही है? आपके सामने ऐसे कई सारी न्यूज़ आएंगी, कई सारे पिक्स आएंगे। अभी कुछ दिनों पहले एक बीजेपी के पॉलिटिशियंस इनका एक्सीडेंट हुआ था, पूरी फैमिली और पूरे जितने भी लोग थे उसमें 4-5 लोग सब ऑन स्पॉट दे कॉज डेथ। और आपकी ऐसे एक पिक्चर आई थी जिसमें एक्सीडेंट में फॉर्च्यूनर में पूरी की पूरी गाड़ी ख़त्म हो गई थी, यही सामने आपके सारे पिक्चर्स हैं। एक छोटे से एक्सीडेंट में पूरी की पूरी फॉर्च्यूनर का आगे का हिस्सा, बैक का हिस्सा सब बिल्कुल एकदम क्षतिग्रस्त हो जा रहा है। और अगर यही कंडीशन है तो आखिरकार 35-36 लाख रुपए का फ़ायदा क्या, रुपये
लगाने का फ़ायदा क्या हो रहा है। आप एक छोटी सी पिक्चर देखेंगे आगे, हल्के से किसी भी जगह पे डंप लगने पर आपकी गाड़ी पूरी तरीके से बिल्कुल डिसमेंटल टाइप की हो जा रही है। और अगर ये बिल्ड क्वालिटी है तो जाहिर सी बात है इस तरह की बिल्ड क्वालिटी लेने के बाद 35-36 लाख रुपए लगाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम फॉर्च्यूनर को एक सॉलिड ठोस बॉडी के लिए खरीदते हैं, हम टोयोटा को जानते हैं एक परफॉर्मेंस व्हीकल के लिए, उसकी आफ्टर सेल सर्विस के लिए, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस और माइलेज और परफॉर्मेंस के लिए हम कागज़ का टीन का डिब्बा नहीं खरीद सकते। आपने अभी हाल में ही एक एंडेवर का न्यूज़ पढ़ा होगा जिसमें 400 फुट नीचे गाड़ी जाने के बाद पूरी फैमिली जब देखती है तो लगभग आधी ऊंचाई पर वो सारी फैमिली जंप कर जाती गाड़ी से और गाड़ी में सिर्फ ऊपर की छत खत्म होती है। ये एंडेवर की बिल्ड क्वालिटी है। और उन्होंने ये एक बात सीधे से कहा कि मेरी ये एक मिरेकल के लिए है, मेरे लिए एक चमत्कार जैसा है कि इतने गहराई में जाने के बाद भी 4-5 रोल ओवर होने के बाद भी मेरी गाड़ी में अगर हम सारे फैमिली मेम्बर जिंदा हैं तो उसका रीज़न कहीं ना कहीं फोर्ड की बिल्ड क्वालिटी और सारे जितने भी एयरबैग थे सीट बेल्ट पहनने का कारण डिप्लॉय होना, और ये सारे सीट एयरबैग्स हमारे लिए कहीं ना कहीं हेल्थ को हमारे देखते हुए, हमारी सेफ्टी को देखते हुए हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। लेकिन हम 10-20 हज़ार रुपये बचाने के लिए बेस मॉडल ले लेते हैं, 50 हज़ार रुपये बचाने के लिए बेस मॉडल लेते हैं और अपने सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते। आप सामने देख सकते हैं फॉर्च्यूनर की कहानी, गाड़ी से एक ट्रक से लड़ने पर एक फॉर्च्यूनर पर क्या हश्र होता है। ये एक सीधी सी बात, आप कंपटीशन कर सकते हैं किसी भी और गाड़ी से, चाहे वो स्कोडा की हो कोडियाक, चाहे वो फॉक्सवैगन की टिगुआन हो, स्कोडा फॉक्सवैगन, दीज आर बेस्ट बिल्ड क्वालिटी कंपनी, ये अपनी बिल्ड क्वालिटी के कारण जानी जाती है। उसके बाद फोर्ड है, लेकिन हम इन दोनों चीज़ों को छोड़ करके, दोनों कंपनी को छोड़ करके, क्योंकि सेल नहीं हो रही है और ज़्यादा से ज़्यादा आजकल पॉलिटिशियन फॉर्च्यूनर को ले रहे हैं, उनके कंपटीशन को देखते हुए, हम पॉलिटिशियंस को देखते हुए हम फॉर्च्यूनर की तरफ भागते जा रहे हैं। वी आर नॉट पॉलिटिशियन, वी आर कॉमन, वी आर मैंगो पीपल, वी आर कॉमन मैन, और हमको सेफ्टी पहले चाहिए। पॉलिटिशियन भले ही, उनको भी सेफ्टी चाहिए, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, लेकिन उनके लिए भले ही कोई बड़ी बात ना हो, वो गाड़ी लेते हैं बेचते हैं, उनके लिए दूसरा कोई गाड़ी चलाता है, ठीक है, लेकिन आपकी जहाँ तक बात है, यू हैव योर फैमिली। पॉलिटिशियंस कभी अपने फैमिली को जल्दी अपने गाड़ी में लेके नहीं चलते, उनके लिए दूसरी गाड़ी होती है, पर आपके लिए आपकी जो कार है, भले ही आपके पास 4-5 कारें होंगी, लेकिन आपकी कार आपके लिए सेफ्टी सबसे पहले जरूरी होनी चाहिए। आपके सामने ऐसी बहुत सारी पिक्स मैंने डाल रखी है ताकि आप खुद सोचिए कि आपके लिए क्या फॉर्च्यूनर सेफ है। स्पेसिफिकेशन में पीछे है, टेक्नोलॉजी में पीछे है, मोड्स नहीं है, काफी सारे फीचर्स नहीं है, उसके बावजूद भी इंडेवर से फॉर्च्यूनर ज्यादा सेल हो रही है। रीजन सिर्फ और सिर्फ माइलेज ज्यादा होना, मैनुअल ट्रांसमिशन, आफ्टर सेल मार्केट एंड सेल्स, सीधे सीधे रीसेल वैल्यू। हम इन तीनों चीज़ों को लेकर के, मनी को लेकर के, हम कितना ज़्यादा चीप हो गए हैं अपनी सेफ्टी को सोचते हुए। ये एक पोल से हाई स्पीड में टकराने के बाद इंडेवर का हाल होता है, लगभग 120 की स्पीड में जब ये गाड़ी टकराती है तो उसके बाद में पोल से क्या हाल होता है। दिस इज द बिल्ड क्वालिटी ऑफ फोर्ड एंड इंडेवर, ये आपके सामने पिक है, मतलब पूरी तरीके से गाड़ी टूटी नहीं, ये एक बिल्ड क्वालिटी होती है गाड़ी की। अगर हम गाड़ी में 35-40 लाख रुपए लगाने के बाद में अगर गाड़ी में बैठे हुए हैं तो हमें अपनी सेफ्टी का खासकर ध्यान रखना है, और अगर हमें सेफ्टी नहीं मिल रही है तो हमें गाड़ी लेने का फ़ायदा क्या हुआ। आप देख सकते हैं एक ऐसा एक्सीडेंट जिसमें गाड़ी पूरी तरीके से साइड से छत से खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी सारे पैसेंजर सेफ थे। रीज़न क्या है, रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक ही है, फोर्ड की बिल्ड क्वालिटी और सारे एयरबैग्स का डिप्लॉय होना। तो ये एयरबैग्स आपके लिए बेनिफिशियल हैं, आप इन एयरबैग्स को बिल्कुल भी जरा सा भी केयर बिल्कुल इग्नोर मत करिए। जब भी गाड़ी चलाइए सीट बेल्ट पहनिए और बिल्कुल केयरफुल होकर के गाड़ी चलाइए। हम कभी कभी SUVs पाने के बाद में बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में चलने लगते हैं। आप देख सकते हैं लगभग 7 एयरबैग जो आपके फोर्ड की इंडेवर में आपको मिलते हैं, आपके फ्रंट पे, डैशबोर्ड पे, साइड कर्टन एयरबैग्स, लो साइड एयरबैग्स और ड्राइवर का नी एयरबैग, ये आपके 7 एयरबैग्स जो आपको मिलते हैं, वो सारे 7 एयरबैग्स आपकी सेफ्टी के लिए होते हैं। जो पिलर्स बनाए जाते हैं, जो एरोडायनामिक आपका फ्रेम बनाया जाता है, उसके साथ साथ जो चैसी बनाई जाती है, ये सब आपकी बिल्ड क्वालिटी बनाती है। ये आपकी सारी चीज़ें बिल्ड क्वालिटी इसी के ऊपर निर्भर करती है। अगर आपकी बिल्ड क्वालिटी बेहतर है तो बिल्कुल आप किसी भी तरीके से ऐसे छोटे मोटे एक्सीडेंट में, नॉर्मल एक्सीडेंट में आपको चोट लगने बिल्कुल भी संभव नहीं। आप ये देख सकते हैं जो पिक्चर्स है और जो स्टेटमेंट जो पूरी फैमिली का, जो फोर्ड एंडेवर में एक हिलेरिया पे उनकी गाड़ी 400 फुट नीचे जाने के बाद रोल ओवर होती है, उनकी
स्टेटमेंट क्या रही है, उनकी बातें क्या रही है, और ये पूरे परिवार अगर आज सेफ है तो वो कहते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ फोर्ड के कारण सेफ हूँ, फोर्ड एंडेवर के कारण सेफ हूँ। जहाँ पर मैंने ये अपलोड किया है उनके द्वारा दिया गया एक स्टेटमेंट कि आखिरकार क्या हुआ था मेरे साथ, उस समय क्या कंडीशन थी और फोर्ड एंडेवर ने किस तरीके से हमें सेफ रखा। ये सारी बातें आपके माइंड सेट के लिए नहीं, मुझे फोर्ड से कोई पैसा नहीं मिलता, ना ही फोर्ड मेरे किसी रिलेटिव की है, बस एक चीज़ है मैं ध्यान दे रहा हूँ आपकी सेफ्टी का, मैं ध्यान दे रहा हूँ आपके आपके सिक्योरिटी का, क्योंकि ये अगर सेफ्टी ये आपकी सिक्योरिटी आपको नहीं मिलती है तो आपकी गाड़ी लेने का कोई फायदा नहीं। भले ही बहुत सारे टच स्क्रीन हो, बहुत सारे फीचर्स हो, आपकी गाड़ी का माइलेज ज़्यादा हो, आपकी गाड़ी का रीसेल ज़्यादा हो, लेकिन उस गाड़ी का फायदा क्या है जो प्लास्टिक की बोतलों के तरीके से दबती हो, उस गाड़ी का फायदा क्या है जो टीन के पत्तों के तरीके से उड़ती हो, ऐसी गाड़ी का कोई फायदा नहीं। एक छोटा सा इम्पैक्ट भी आपके लिए डेथ कॉज कर सकता है, एंड गॉड फॉरबिड, माफ करिएगा मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरी कॉज कर सकता है। आपको ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान देते समय, एक वाइल्ड बाइंग द कार, कार खरीदते समय मेरा सिर्फ कहने का उद्देश्य है आप गाड़ी खरीदते समय ये बिल्कुल ही चूज करिए आपको कौन सी गाड़ी लेनी, क्या ये गाड़ी आपके लिए सेफ है, कौन से ऐसे फीचर हैं, उसका चैसी कैसे है, उसके बिल्ड क्वालिटी है। और मैं आपको बता दूं प्राइस की अगर आप फॉर्च्यूनर एंडेवर की बात करेंगे तो एंडेवर इज चीपर देन फॉर्च्यूनर। और अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, आप जाते हैं कभी भी आप गाड़ी को खरीदते समय आपको बिल्ड क्वालिटी देखना है, आप कहीं भी मत प्रेस करिए, बस साइड का फेंडर दबा करके देख लीजिए। अगर किसी भी हैचबैक का फेंडर दबाएंगे और उसका आपका जो फेंडर है वो ताकत लगाने से थोड़ा सा भी आपको प्रेशर लगाने से दब रहा है तो इसका मतलब उस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा पुअर है। आप उसके दरवाजे को बार बार खोल करके और बंद करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा उस गाड़ी का वेट क्या है। तो आप ये देख सकते हैं एंडेवर और फॉर्च्यूनर का साइड से इम्पैक्ट होता है दोनों में क्या हासिल हुआ। अब आप चूज़ करिए आपके लिए क्या सेफ है, आपके लिए क्या बेहतर है। आप मेरी वीडियो देखने के बाद में अगर आपको कोई भी सजेशन देना है, कोई कमेंट है, तो आप बिल्कुल मेरे कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो आपको